एक देखत एक देखत मन पतिया एक देखते मन पतिया ही अब हम तुम एक भय अब हम तुम एक भय एक देखते एक देखते मन पतिया एक देखते मन पतिया अब हम तुम एक भय हैं अब हम तुम एक भय राम तू ऐसा निर्भर राजा I'm
जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो, अब तुम हो, हम नहीं। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो, हम नहीं। अब तुम हो, हम नहीं, अब हम तुम एक भय है, अब हम तुम खटाई,
बुद्ध हर रही मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई मिल है सारंग पानी
अनल अगम जैसे लहर में ओदत जल केवल जल माही हम तुम एक वै ज्यो जल में जल आए खटाना ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना अब हम तुम एक भय अब हम तुम एक भय तेरे ते मेरे बीच मैनू हुण दिसिया है कोई फर्क ही नहीं अगे भी अर्ज कीती है कई बार भी रात दे प्रकरण विच्चों मैनू सवेर लई कुछ लभ जांदा है बाबा कबीर जी दे रात दे चार श्लोकां दी मंजिल टिकाना रिजल्ट ए सी के जन जेड़ा है वो रब वर्गा ही हो जाए अपेक्षा जन लफज दे नाल ही संबंध नहीं सिख नाल भी सिख भी एक जन है नाम ही वक्रे वक्रे जिमें जन दी प्रभु नाल अपेदता है एवें सिख दी गुरु नाल अपेदता है बाणी विच है गुरु सिख सिख गुरु है कोई फर्क नहीं हुण असीं इस गल नूं जरा अन्वय करना है समझना है फर्क की किथे आके पै रहा है अज भी यो सवाल रात भी यो सवाल सी रिजल्ट यो ही है कबीर पानी हुआ तो क्या भया सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए रब ही हो जाए हरी वर्ग ही हो जाए ते हुण कुछ उसनू आपां खुलासा करिए इस शब्द शब्द दी रहा दी तो कंदर बड़ा खूबसूरत लफज है वो है जदों मैनू पता लगा ना भी मैं तेरे वर्गा ही हो गया तेरा ते मेरे विच फर्क कोई नहीं जदों मैनू पता लगा है शब्द भी बाबा कबीर का है जदों मैं देखिया है कि तेरे मेरे विच फर्क ही कोई नहीं ते मन पतीज गया है मन बड़ा प्रसन्न हो गया है अब हम तुम एक भाई अब हम तुम एक भय है एक है देख मन पतियाई हुण तैनू ते मैनू एक वेख के मेरा मन बड़ा खुश है क्यों लो क्योंकि ये वेख के नहीं कि मेरे हाथ की आ गया ये वेख के जे तेरे नाल मैं अपेद होया ते तू के हो जाए हुण शब्द दा आरंभ है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਸਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਦੀ ਹੈ ਨਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਪੇ। ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਮਰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਪੇਤਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ। ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌਲਤਵੰਦ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁੱਖੇ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਬਹਿ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੂ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਜੀਓ ਦੇਣ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਜੀਓ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਨਾ ਉਸ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਮੈਲਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਸੋਚਾ ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ ਨਾ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਭੇਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਤ ਵਾਲਾ।
असीर अखीर ते पढ़ लें कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कह लगे इसलिए मेरा हुण मौत तो डर ही नहीं रहा मैनू, क्योंकि पता लग गुरु ने बाणी विच बाबा कबीर जी ने एक तां ते नहीं अनेक थावां ते इस गल नूं स्पष्ट कीता। कहन लगे सारा संसार मौत दी गिरफ्त विच है, ऐसो ये संसार पेखना रहन ना को पई है रे, सब संसार मरदा है कोई हमेशा नहीं रहिंदा। इहदा मतलब मैं संसार ते निरंकार दोहां विच्चों हुण तक चोण नहीं कर सकिया। लो फर्क की है, संसार नाल जुड़िया रहा हो मरदा है, निरंकार नाल जुड़िया नहीं जिहड़ा मरदा नहीं जिहड़ा अविनाशी है। कहन लगे ऐसो ये संसार पेखना रहन ना को पई है रे, कोई नहीं गिरदा। सिद्ध गोष्ट दे एक लफज ने कई बारी गुरु कहते ने गुरु बाणी विच कहते ने एक था कहते ने सो स्थान जो कबहू न तरै मैनू उस टिकाने दी ढूंढ है पाल है, मैं उस शहर विच वसना चाहना उस घर दा वसनीक होना चाहना जिस घर विच मौत ना आ सकती होवे, जेड़ा घर कदी ढहंदा ना होवे, जिस घर नूं मौत दा खतरा किसे जलजले दा तूफान दा किसे अर्थक्वेक दा कोई खतरा ना होवे, मैं वो घर पुछना चाहना किथे है। क्योंकि इसे लिए मैं तेरा घर जदों वेखना ते मैनू पुछना पैंदा सो घर सो दर के हा सो घर के हा जित बै सर्ब संभाले, जे तू अविनाशी है ते तेरा घर नहीं ढहंदा होवेगा, जे तू अविनाशी है ता तेरे घर नू कोई खतरा नहीं होवेगा, इसलिए मैनू उस घर की पछाण दे सो घर ओ स्थान सो स्थान जो कब हूं ना टरे मैनू ओ स्थान दस जेड़ा कदी खत्म ना होवे। बल्कि कहन लगे जदों मैं संसार दे उन्हां लोगां वल देखना जिन्हां नू सारी जिंदगी लोग पूजी जांदे ने उन्हां नू भी ओ स्थान नहीं मिलिया। गुरबाणी कहंदे ने इंद्रपुरी सर पर है मरना, देवतियां दा वड्डा देवता देवता अखवान वाला, असी भी भुलेखे नाल जिंदे दर ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दर ते खलो के इंद्र दी आरती करी जाने हां। गुरु कहंदा इंद्र तां इंद्रपुरी तो रहती नहीं वो तो मरदी है, जेड़ा उत्थे रहिंदा है वो ही मरदा है। इंद्रपुरी सर पर है मरना ते असी की पढ़ रहे हैं संखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखा वै आरती कोट करे सुर सुंदर पेख परिंदर के बल जावे। आहुं जदों अखां खुलियां ने ते हुण जाके यार पिछले साल ये सवैया बंद किया गया दरबार साहब, पहले तो शाम नूं रोज़ पढ़िया जाता सी आरती विच, हुण सवाल करने लोगों ने शुरू कर दिते ने भी इहदा अर्थ दसो, ते जवाब की जिवें हुण चौपाई दे जदों रहरास हुंदी है ना बाकी दी ट्रांसलेशन नाल नाल थले लाइन विच चलदी रहिंदी है, पर जदों चौपाई शुरू हुंदी है ना उत्थे बंद कर देंदे ने ओह लाइन, क्योंकि सवाल खड़े हुंदे ने जवाब कोई नहीं। इहदे भी एवें सी छड़ दित्ती, वह भी छड़ देणगे चलो चार दिन बाद जदों कोई जवाब नहीं होएगा।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਸਰ ਪਰ ਹੈ ਮਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਪਾਇਆ ਬਿਨਸ ਜੰਜਾਲਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ ਤੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸ ਜੰਜਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰ ਤਰ ਪਹਾੜ ਤਰ ਬਨਸਪਤੀ ਤਰਵਰ ਦਰਖਤ ਗਗਨ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਰਬ ਸੱਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਨਿਰਾਰੇ ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਣੋ ਮੂਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਨੇੜਾ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿਨਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ ਸੋ ਤੁਮੀ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ ਰਾਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਰਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
क्योंकि जो कुछ है वो आप नहीं, जेड़ा सामने खलोता है ना उस दर्पण दे उंदा ही परछावा है, वो अपने आप विच कुछ नहीं, जो कुछ वो चाहेगा वो होएगा, जो कुछ वो पहनेगा वो बनेगा। परछावे दा काम की है, जो कुछ वो बोलेगा वो बोलेगा। परछावे नू तुसी अपनी मर्जी नाल, जां परछावे दी कोई अपनी मर्जी ऐसी होवे कि कुछ बदल जाए, बिल्कुल नहीं। वो कहिंदा जो कुछ मैनू बदलना चाहना है, मेरा जेड़ा सामने खड़ा है ना असल रूप, ओनू कह दे जो कुछ वो बदलेगा। तू करता करना, मैं ना ही, जहां हों करी ना होई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो परछावा। अपनी होंद खत्म करना, अपना आप मिटाना। अभेद होने लई इको शर्त है कि अपना आप मिटाना। अज दे भी ये लफज जड़े ने ना कि हे मेरे मालिक, मैनू जदों का पता लगे ना कि तू ते मैं ते एक हो गए, पर किते दुनिया नू ये भुलेखा ना पै जाए मैं भी रब बन गया हाँ। दुनिया किते इस भुलेखे विच अज दा दुखांत ये है कि मनुख समझन लग पे मैं भी रब बन गया। परछावां कदी रब नहीं बन सकता। हाँ, खुश किस्मत है परछावां जिन्नू मालिक ने अपना परछावां मन लिया है, फिर वो जो जा बनना चाहेगा वो जब। एक होर ख्याल करियो, परछावां दरखत दा भी हुंदा है, परछावां कदी वेखो दिन दे चानन नाल सूरज दी धुप नाल मनुख दा भी बनदा है, पर मनुख दा परछावां ते उस दर्पण दा परछावां दोहां विच फर्क है। मनुख दा परछावां धुप दे अगे जाएगा, सूरज दे अगे जाएगा तां बनेगा, पर सूरज ने क्योंकि खलोना नहीं, टिकना नहीं इको थां ते, मनुख खड़ा रहे भला खड़ा रहे, सूरज ने तो खलोना नहीं, उन्हें चलना है। गुरु ने बाणी में भी आख्या है, दिन रब चले निस्सस चले, रात नू चंद्रमा चलता है, दिन सूरज चलता है, चलते ने। ते ओ परछावां जेड़ा है सूरज नाल चलेगा, मनुख खड़ा है ना, उन्हें रोक सकता है ना, उनकी लंबाई चढ़ाई नू अपनी मर्जी नाल रोक सकदा। ज्यों ज्यों सूरज चलेगा त्यों त्यों परछावां वधदा जाएगा, लंबा हुंदा जाएगा। परछावें दी होंद कुछ नहीं, वो संसारिक पदार्थ है। जदों बिल्कुल सिर ते शिखर ते होवेगा उदों परछावां होएगा ही नहीं, उस दिन परछावा नहीं होगा। जिस दिन जिस वेले सूरज शिखर ते होएगा, ते जदों परछावा लंबा हो जाए ना, समझ लो हुण तां रात पैण वाली है, क्योंकि सूरज इत्थे आ जाएगा, परछावा लंबा हो जाएगा। परछावा ज्यों ज्यों वधेगा, उस परछावे का फर्क की है, मैं दो परछावे में चर्च कर रहा हूं, उस परछावे का अंतर की है। ओ ऐसा परछावे जेड़ा तेनू एक चेतावनी दिंदा है कि शाम पै गई है, हुण रात पैण वाली है, परछावा लंबा हो गया, दूर चला गया तेरे तो। तो है मनुख का परछावा, पर एक परछावा मनुख का ही है, वह है दर्पण विच।
क्योंकि दर्पण नू इसे लई गुरबाणी अंदर तां इह मन नाल मुखातब करके भी आख्या, दर्पण नू बाणी दे मुताबक देखिया, बाणी नू भी दर्पण आख्या, सच नू भी दर्पण आख्या, जिथे झूठ ना होवे, जिथे झूठ ना होवे, उस दर्पण विच जिहड़ा परछावें ने उन्हें बदलना नहीं, तू टिका ला ना उन्हें चलना है ना उन्हें बदलना है, उनका काम है सिर्फ सच तेरे सामने रखना, ते जिहड़ा सच नू सामने रखे ओहो ही धर्म हुंदा है, ओहो ही अपेता दा कारण बनता है, जिस दिन तू सच नालों टुट जाए तेरे कोल अपेता भी नहीं रहती। बाबा कवीति दे राज दे रात दे चार श्लोक जिहड़े सन ओ बड़ी एक चेतनता दा वसीला सन कि तेरे अंदरों अभिमान दी कोई थां एक जर्रा भी अंदर ना रवे, क्योंकि जे तू रोड़ा भी हो गया है एक ख्याल ते तेरे मन विच रह गया है ना भी जे मैनू कोई ठेडा मारेगा ते मैं भी किसी दा पैर जख्मी करांगा, मैं तो खड़ी है ना, मैं कुछ हां कौन हुंदा मैनू कोई ठेडा मारन वाला, जे किसी ने मैनू ठेडा मारिया मैं भी उनका पैर जख्मी किया, जे किसी ने मेरे ते पैर धरिया मैं भी धूड़ बन के उनके कपड़िया मैला किया, उनके चेहरे को मैला किया, मैं बदला ले सकना, मैं कुछ कर सकना, वो जिदा मैं कुछ कर सकना दा ख्याल है ना, एहो ही जब हम होते तब तुम नहीं, अधूरी है, हमनू खत्म करना है। बाबा कबीर जी दे श्लोक कई थावां ते पता नहीं अगे आ चुका है जां जे आउणा है, कई श्लोक ऐसे ने उनदे चो कहंदे ने कि मरो तो हर के द्वार, मेरे मन की इच्छा है मरो तो हर के द्वार, कदे मालिक अपने दरवाजे तो बाहर निकलेगा तो मैनू पूछ ही लेगा भी केड़ा दरवाजे ते मरिया पिया है, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार, मोए मरने का चाहो है, मरो तो हर के द्वार, रब पुछ लवे बस उनका पुछ लेना ही मेरे लिए गनीमत है, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार, कह लगा नाल ही अगले पासे फिर सो जिवें रात दे श्लोक सुना कि एक तो अगे तुरे गए अवस्था नूं होर उची कर दे गए, एवें अगली लाइन अंदर कहन लगे जे भला पुछ लै भी कौन है ते की आखेगा जा कोई की आखेगा कबीर है, फिर जे कबीर आखेगा फिर ए कबीर भी कई हो सकते ने, मेरी अपनी कोई होंद है, होंद नूं ही तां खत्म करना सी, पहला नाम एक होंद है उस तो बाद उस नाम दे कई हो सकते ने, फिर अपनी होंद दा मसला आ गया, फिर वो पुछेगा कित्थों दे रहने वाला है, जे उस शहर विच भी कई होन ते फिर पुछेगा उनका महला की है, उनके घर का नंबर के, ये जो दरवाजे अगे पिया क्यों, मेरी अपनी होंद मेरी अपनी जिहड़ी वड्याई वक्खरा रूप है उनका किवें पता लगे। लो अगले श्लोक अंदर नाल ही कह दिता, कहन लगे ना मोए छान ना छापरी ना मोए घर ना गराऊं, मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ, सब कुछ मिटाना है, सब कुछ मिटाना है, ते जदों कुछ भी मेरा ना रहा हूं किछ ना ही एक है ओही हो गया, क्योंकि रात दा सब्जेक्ट ओवे तुरिया हुंदा है उन्दे च भी तू अपना आप मिटा, कोई भी तेरे सुख दुख रहत सदा निरलेपी जाको कहत गुसाई,
ते फिर रब वाले विचार जेड़े ने रब वाले आदत ते सुभा जेड़े ने जिस दिन तू अपने अंदर ले आवेगा फिर रब वाली वड्याईया भी ते क्योंकि तू वखरा रहा ही नहीं और एहो ही लफज अज दे शब्द विच ने कहंदे ने जिन्ना ते जिन्नी देर मेरी बुद्ध मेरी अकल कम करदी है उस दिन मेरा बल खत्म हो जाता है जब बुद्ध होती तब बल कैसा जेड़ा मनुख अपनी अकल ते मान करदा होवे मैं कुछ कर सकना मैं कुछ बना सकना आ मर्यादा दे मसले की ने कोई झगड़े जेड़े ने अज दी दुनिया अंदर असीं देख रहे हां उनदे विच किसे ना किसे दी अकल कोई जेड़ी है वह दूजे नालों इत्थे सतगुरु की कहंदे ने तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम अपनी मत ते मान नहीं अपनी अकल ते गुमान नहीं अपनी बुद्धि ते अपनी अकल दा मान छड़ के एहो गल रात भी लफज आए सन भी मेरे कोल मत होंदी होए निमाना तान होंदे होए निताना जदों तू गुरु के दरबार विच आवे इत्थे मत समर्पण कर बाकी वस्तुआं नहीं अज असी सब कुछ समर्पण कर सकने हैं ऐसी गल नहीं मैं हैरान होना जदों मैं किसी वैबसाइट पर भी पढ़ना पिछले दिनों में भी कोई सिंह बाहरों गए उत्थे लिखा होया कि फूलदान उन्होंने या क्षमादान उन्होंने दो भेट की तो दरबार साहब उनकी कीमत लिए कई करोड़ों सुरक्षा थी मेरे सोने के बने हुए क्षमादान भेट किए वह भरे हो क्षमादान का मतलब तो है रोशनी देने वाला है एक रोशनी दे सामने तू करोड़ों की रोशनी भेट कर लै वो रोशनी नहीं मिलनी जी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे रहे हैं गुरबाणी इस जग में चानन जो रोशनी इतों मिल रही है उनके सामने तू दीवे जगान वाली एक रोशनी क्षमादान रख के ये अभिमान करना है कि मेरे को एनी दौलत है कि मैं करोड़ों रुपया का क्षमादान भेट कर सकना और वो फिर वैबसाइटा ते दिखा के उपमा की जा रही है तो गुरु की कहते हैं कोट कर्म करे हाँ तारे अजे आपा नहीं खत्म होंगे कोट कर्म करे हों धारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार गुरु कहंदे ने इस तरह अभेदता नहीं हुंदी अभेदता तो हुंदी है जिस दिन तू आपा मार लेगा तू आपा समेटना है नदी ने समुंदर उस दिन बनना है जिस दिन नदी ने आपा खत्म करना है जिथे जाके जे समुद्र विच पैन तो बाद वो आखे मेरा नाम नदी गंगा कोई क्यों नहीं कोई आखदा समुद्र विच पैन तो बाद कोई आखेगा ये गंगा दा पानी है ये जमुना दा पानी है ये सरस्वती दा पानी है ये गोदावरी दा पानी कुछ नहीं समुद्र है जिन्नी देर आपा नहीं खत्म हुंदा नदी दा उन्नी देर नदी समुंदर नहीं बनती जिन्नी देर मनुख अपनी हो अपनी अकल ते मान रख के गुरु दरबार अगे आपा नहीं भेट करदा उन्नी देर गुरु सिख सिख गुरु है दी शर्त नहीं पूरी क्योंकि अगली लाइन में कह दिता एको गुरमत कार चलाए एको जिहड़ी गुरमत दी कार है ना वह चला अपनी ने विचार फिर रब दे चलते ने अपने नहीं जदों परछावां बनता है उदों फिर मर्जी जिंदा परछावां बनया ना उंदी चलदी है जिहड़ी मर्जी कपड़े पहन के जो मर्जी रूप बना के जो मर्जी बोले वो विच बैठा होया परछावां अपनी मर्जी दा बोल भी नहीं बोल सकता अपनी मर्जी दे कपड़े भी नहीं पा सकता वो परछावां बन चुका है आपा मिटा चुका है गुरु ने यो गल आखी कह लगे हे मेरे मालिक तू निरपो है ते मैनू अज पता लगा
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਇੱਕ ਭਏ ਹੈ ਅਬ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ ਇਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ